नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिसेंटली हुए एक इम्प्लीमेंट के ऊपर, CAA, जो कि काफी विवादित रहा, काफी समय से इसके ऊपर काम चलता रहा और इसको इम्प्लीमेंट करने में काफी समय लग गया। 2020 में इसकी बात चली थी और 2021 में कोरोना, 20 में कोरोना को फेस करते करते आज 2024 में ये अप्लाई कर दिया गया। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू ये काम किया गया है। तो आज हम बीजेपी पार्टी के जंगवीर जी के साथ बात करेंगे एंड जो हमारे सवाल जवाब हैं इनके साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक मेरा सवाल रहेगा आपसे कि जो CAA है, ये क्या चीज है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने यहाँ पे एक पॉडकास्ट का एक चैनल शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ हमारे सांबा में बहुत अच्छी शुरुआत है, ताकि लोगों के विचार किसी इशू पे आने चाहिए। तो जैसे कि आपने, जो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया है बात करने का, नौजवान हो, देश की बात करते हो तो हमें भी अच्छा लगा। लेकिन जो CAA की बात है, CAA जैसे आपने बताया कि जो 2019 में इसको पारित किया था, संसद से पारित हुआ जो कानून है, और जो सिटीजन चार्टर अमेंडमेंट एक्ट है कि एक ऐसे लोगों को जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था, उनको पहचान देने के लिए, उनको जिंदगी जीने का सबल देने के लिए, हक तो सबको है जीने का। तो भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, तो मुझे लगता है कि विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश, अगर जहाँ भी अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारा भाई बहन बंधु, कोई अगर बिना नागरिकता के रह रहा है, चाहे वो किसी भी मजबूरी में रह रहा है, उसको इंसाफ देना मुझे लगता है भारत सरकार का पहला कर्तव्य है। क्या बात सर, जैसे कि आपने कहा कि भारत जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक मैं बात जरूर आपसे पूछूंगा, ये जो CAA है इसमें तीन कंट्रीज का नाम लिया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति, 2014 से पहले आए हुए व्यक्ति सिटीजनशिप इंडिया की ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इस पर कुछ बात करेंगे आप? बात जहां पॉपुलेशन की नहीं है, बात जहां पे एक बहुत ही मानवीय एक संवेदना जुड़ी हुई है। अच्छा, जिस ये आज की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1947 में जब एक विशाल भारत का जब पार्टीशन हुआ था, उस वक्त आपको पता है कि पूरा भारत बहुत विशाल भारत था। अगर उस वक्त जब विभाजन हुआ, सब लोग मिलजुल के रहते थे, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते थे, जहाँ पे बहुत मुस्लिम, वहां पे उस वक्त हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा था। लेकिन जब पार्टीशन जब हुई, एक देश बना, किस बिना पे बना, हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, उसकी नहीं पड़ी पाकिस्तान। लेकिन क्या हुआ कि उस वक्त के जो विभाजनकार थे, अंग्रेज एक पक्ष था, दूसरा हिंदुस्तान के जो पक्षकार थे, एक पाकिस्तान के पक्षकार थे। तो हमें जो इतिहास में देखा गया है, जो पढ़ा गया है कि लोगों को बिना मौका दिए हुए कि वो अपना पक्ष चुने, उन्होंने पार्टीशन की एक लकीर खींच दी। उन लोगों की पीड़ा, उन लोगों की जो मानवीय पीड़ा को देखते हुए ये एक्ट बहुत जरूरी है। ये एक्ट किसी को नुकसान करने के लिए नहीं है, जो प्रताड़ित है, जो बेचारे अपने घर बार छोड़ के आया है, अपनी जान बचा के आया है, उन सब लोगों को नागरिकता देनी है, उनको जीने का सम्मान देना है। ये इस CAA का जो मेन मकसद। तो सर, जैसे आपने कहा कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, तो क्या किसी सिंगल कम्युनिटी को हार्म कर सकता है ये एक्ट? ये किसी को भी हार्म नहीं करता है, किसी की नागरिकता को तिनके जितना नहीं छू सकता है। अच्छा, किसी को तिनके जितना नहीं छू सकता है, जे सिर्फ गरीब जो बेचारा दबा कुचला, जो अपने किसी, चाहे वो बांग्लादेश से आया है, चाहे अफगानिस्तान से आया है, चाहे वो पाकिस्तान से आया है, वो असहाय व्यक्ति को सबल देने के लिए, उसको नागरिकता का एक सम्मान देने के लिए, ताकि वो जहाँ पे हिंदुस्तान में
एक हिंदुस्तानी नागरिक बनके जिए और अपनी आजीविका कमाए और पूरे सम्मान के साथ हर हिंदुस्तान की गतिविधि में पूरा का पूरा अपना शिरकत करे, उसमें वो पार्टिसिपेट करे और अपना जीवन यापन अच्छा करे। ये जो CAA है इसमें कितनी कम्युनिटीज को सिटीजन लेने का हक है? इसमें कम्युनिटी इन्होंने जो रूल निकाला, जरा जो कम्युनिटी थी जैसे जैन है, बुद्ध है, अपने सिख है, हिंदू है, और भी दो कास्टें हैं, बल्कि दो जो पंथ हैं, जितने जो पाए जाते थे नेबरिंग कंट्री में, उन्होंने उनके लिए कहा कि उन सबको हम यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे और उनको मार्च कर देंगे। यानी कि माइनॉरिटीज को, माइनॉरिटीज जो हमारे पड़ोसी मुल्कों हमसाए में, क्योंकि वो तो इस्लामी कंट्री है, वहां पे तो इस्लामिक कानून लगता है, तो जहाँ पे अगर कोई रहना चाहता वहां तो वहां भी रहे, लेकिन अगर किसी को वहां पे प्रताड़ना होती है तो कम से कम किसी को दुनिया में इस पृथ्वी में कोई तो जगह हो जहाँ पे वो जाना चाहे तो जा सकता है। तो इसलिए भारत ने वो आश्रय देने के लिए, उनको इस जीवन में मजबूती देने के लिए उनको ये वाला एक्ट किया है। सर एक और सवाल जो कि इस मुद्दे से बहुत ज्यादा घुल मिल के आ रहा है वो ये है कि जब CAA जो है वो इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी था, तो इसको लगाने में इतना टाइम क्यों लगा है? अब ये तो इतिहास की बातें पढ़कर ही जो ज्ञान हुआ या जो चर्चा में जो बातें आती हैं, मुझे लगता है कि उस वक्त की ये बहुत बड़ी मानवीय भूल है। अगर उस वक्त ही लागू कर देते तो इसमें कोई परेशानी थी, किसी को नुकसान तो आया ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर वहां पे असहाय महसूस करता है तो वो आ सकता था हिंदुस्तान में, उसमें किसी को क्या परेशानी थी। ऐसे भी तो पार्टीशन के बाद जब 1947 में पार्टीशन हुई तो लाखों लोग इधर आए, लाखों लोग उधर गए, फिर उसके बीच में कतरो गारत भी हुई, ये सब कुछ हिंदुस्तान की धरती ने सहन किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे पवित्र कार्य के लिए मैं तो समझता कि कोई दूसरी राय बनाई जानी चाहिए। सर गोल मिलके एक ही सवाल और मैं आपसे करूंगा, क्या इंडियंस के नजरिए से ये एक्ट बिल्कुल जायज है? मुझे तो लगता है बिल्कुल जायज है, इसमें पॉपुलेशन बढ़ाने और कम करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप किसी को भी सबर करो, जहाँ भी हिंदुस्तान में हर पंथ को हर मजहब को आजादी है पूरे जीने की, सब लोग अपने हक से जी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी आजादी होनी चाहिए। जहाँ पे तो हिंदुस्तान एक विशाल लोकतांत्रिक देश है तो सबको जीने का अधिकार है, सबको अपनी पूजा पद्धति का पूरा अधिकार है करने का, मानने का, तो उनको लोगों को भी एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और उनको लाया गया। और मैं समझता हूँ जो काम माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया है पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत में, मुझे लगता है कि वो अल्पकल्पनीय है, मानवीय है, और मैं समझता हूँ सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी कार्य वो जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। उनका एक अभियान भी है ना शुरू से 14 से जिसपे जिस रूपन पे हमने इलेक्शन लड़ी है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और आप तो और भी आयाम जुड़ते जा रहे हैं कि सबका प्रयास भी है। तो मगर सर आ जाके एक बात आ जाती है कि ये जो लोग दिल्ली में धरने दे रहे हैं, आसाम में धरने दे रहे हैं, या फिर अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में धरने दे रहे हैं, प्रॉपर्टी जो है हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसको हार्म कर रही है, तो इसके ऊपर कुछ बात? उसको तो कोई भी न्यायोचित नहीं ठहरा सकता, उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा, और जो कर रहे हैं मुझे लगता है कि वो राजनीति से प्रेरित करते हैं। इधर तो जब राम मंदिर बना था तो मैं समझता हूँ अगर राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, तो उसको भी प्रश्न चिन्ह में खड़ा किया कई लोगों ने, ये उनकी मानसिकता हो सकती है। लेकिन मैंने कहा जो काम सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है, जो काम देश के हित में है, समाज के हित में है, उसको पूरा करना हमारा धर्म है। सर लास्ट क्वेश्चन, लेकिन ये लिस्ट नहीं है, क्या हमारा ये जो CAA एक्ट इंप्लीमेंट है क्या ये इलेक्शन से रिलेटेड हो सकता है? ऐसा नहीं है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि हम इसको इलेक्शन से पहले जरूर इंप्लीमेंट कर देंगे। ये आज का नहीं है विषय, अच्छा ये संसद से कब से पास हुआ उसके बाद आपको पता कोरोना आ गया और गतिविधि आ गई, लेकिन इसकी तैयारी पूरी चल रही थी और वो तैयारी करके इसको सूचना जारी कर दी है।
और ये किसी के नुकसान के लिए नहीं है, किसी को भी लेश मात्र भी ये किसी को हार्म नहीं करता है। मैं समझता हूँ जो लोग अपोज कर रहे हैं उनके भी बीच के कई बुद्धिमान लोग कह रहे हैं, वो बार बार बयान दे रहे कहते हैं कि इसको तो कोई हमें तो कोई नुकसान नहीं है। अगर जिन धार्मिक या पंथ लोगों को नहीं किया है उस अधिसूचना में शामिल, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। सरकार है, जो लोगों की आवाज आएगी, अगर लोगों की आवाज आएगी तो उसमें देखो कोई एक कानून बनता है वो बाद में उसकी अमेंडमेंट होती रहती है अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो मैं समझता हूँ जो आगे से जो विचार आएंगे लोगों के, मुझे लगता है उसको और अच्छा करेंगे सीए को। जैसे आपने कहा कि आगे जाकर चेंजेस हो सकती है, ऑलरेडी सीएए में काफी बार चेंजेस हो सकते हैं, आगे भी होंगे, आगे भी हो सकते हैं। लोकतंत्र में यही तो अच्छा ही है, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में तो बदलाव का एक बड़ा रहता है प्रयास की जो अच्छा आएगा और अच्छा करेगा उसको और मौका देगी जनता। तो मुझे लगता है कि सीए के बारे में भी ऐसा कि अगर लोगों को लगेगा, बहुत सारे ज्यादा लोगों को लगेगा कि ये बात अगर इसमें ऐड हो जाए तो ये और भी अच्छा होगा, तो मुझे लगता है वो भी ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर बात का सार निकाला जाए, सीएए का सार निकाला जाए, तो सिंपल बात है कि ये किसी को हार्म नहीं कर रहा और ये एक ऐसी मजलूम माइनॉरिटी को जिसको अपना हक रखने का भी अधिकार नहीं है उसको अपना हक रखने की बात करने के लिए जायज एक्ट है। मानवीय मूल्यों को उनको सबल बनाने के लिए, उनको मतलब कि जो दबे कुचले कहीं माइग्रेंट होके आए हुए हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ कर आए हुए हैं, उनको सबल देने के लिए, उनको मान सम्मान देने के लिए, उनको भी इस धरती पे जीने का हक है। ये वो कानून है वो उनको जो सबल बनाता है, उनको वो सहारा देता है। मैं समझता हूँ ऐसा ही सीए है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर इस पर आपकी कोई चर्चा हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमने खुला रखा है, आप अपने विचार इस पर भेज सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को हम छेड़ेंगे और ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज को हम आपके लिए इन्वाइट करेंगे जो आपके सवालों का सही जवाब दे सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।